हाय गाइस, जैसे कि हमें ऑलरेडी मालूम है कि कोविड के बहुत सारे वैक्सीन्स हैं जो हमारे देश के अंदर इस टाइम पे काम कर रहे हैं. अभी आपने देखा कि बूस्टर के बारे में भी चर्चा चल रही है. बट द पॉइंट इज, जो कि न्यूज़ का पार्ट बना है वो ये है कि हमारी कंट्री के अंदर अब एक ऐसा वैक्सीन है जिसको अप्रूवल मिला है जो कि सिंगल डोज है. आपने देखा कि कुछ ऐसी वैक्सीन्स हैं जिनका दो डोज होता है, कुछ ऐसी भी हैं जिनका थ्री डोजेस होता है. बच्चों के लिए अलग है, डीएनए बेस्ड अलग है, निडललेस अलग है, बहुत सारे टाइप की वैक्सीनेशन यहां पर हो रहे हैं. बट अब क्या हुआ है, स्प्यूटनिक लाइट ये एक ऐसा वैक्सीन है जिसका सिर्फ सिंगल डोज होगा और इसको अप्रूवल दे दिया गया है और ये बनाई गई है. ऑब्वियसली बात है, स्प्यूटनिक है तो रशिया ने बनाई है. सबसे पहली चीज, पूरे वर्ल्ड के अंदर जो सबसे पहली वैक्सीन को अप्रूवल मिला था वो भी स्प्यूटनिक थी. एनिमल्स के लिए वैक्सीन बनाने वाला सबसे पहला कंट्री भी रशिया था. अब इसी के द्वारा जो एक बनाई गई है वो है स्प्यूटनिक लाइट, जिसको अप्रूवल मिल गया है. और इसके अप्रूवल होने के बाद में इंडिया के अंदर टोटल 9 वैक्सीन्स हैं जिनको अप्रूवल मिल चुका है. मेरा छोटा सा सवाल है आपसे, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इंडिया के अंदर निडललेस जो वैक्सीनेशन है वो कौन सा वाला है. कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा. एंड रेगुलर काइंड ऑफ अफेयर्स के लिए सुबह 7 बजे ओनली ऑन वाइफ स्टडी स्टूडियो.